हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नवाज शरीफ नून लीग के सदर रह सकेंगे या नहीं, ऑपोजिशन कौमी असेंबली में बिल पेश करने के लिए तैयार। इजलास एक घंटे बाद शुरू होगा, बिल सेनेट से मंजूर हो चुका। मामू तफहीम से तय करने की कोशिश, वजीर आजम की तरफ से पार्लिमानी रहनुमाओं के एजाज में सुहराना। धरने में इस्तेमाल होने वाली जबान की इजाजत कौन सी शरीयत देती है? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा बरहम, फैजाबाद धरने पर खुद नोटिस ले लिया। बताया जाए कि आवाम के बुनियादी हुकूक के लिए क्या इकदाम किए। अदालत के रिमार्क्स, सेक्रेटरी दिव्या तफसीली रिपोर्ट तलब। आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। धरने से कैसे निपटा जाए, खुर्शीद शाह ने बता दिया। हुकूमत को अस्करी इदारों से मदद लेने की तजवीज दे दी। कहा फौज को बुलाना हुकूमत का आईनी इख्तियार। हमारे जो अफवाज है, हमारे अस्करी लीडरशिप है, उनसे रब्ता किया जाए। कानूनी आईनी एक अख्तियार भी है कि उनको बुलाया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है और इस तरीके को डायलॉग के थ्रू इसको रिजॉल्व किया जाए। लतीफ खोसा का कहना है कि जाहिद हामिद ने इस्तीफा ना दिया तो हुकूमत जाएगी, धरने वाले नहीं जाएंगे। मेरी तो कोशिश यही है कि हुकूमत और ये है जो हमारे उलमा के दरमियान में ये खलीज है, इसे कम किया जा सके और जो इनके जायज मुतालबात हैं वो हुकूमत तक पहुंचाए जा सकें और मनवाए जा सकें। रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पर धरना बरकरार। पीर ऑफ गोलरा की धरना कायदीन से मुलाकात, कहा कोशिश है मामला इफहाम और तफहीम से हल हो, मुज़ाकरात कामयाब हो। मुसलसल धरने के बायस जुड़वां शहरों के बासियों के लिए सुकून से सफर करना मुहाल। धरने के खिलाफ मुजाहिरा, चूल्हे ठंडे और रोजगार खत्म हो चुका, मामला हल किया जाए मुजाहिरीन का मुतालबा। मरियम नवाज की सियासी सरगर्मियां तेज, मरियम नवाज का हलका एनए 120 का दौरा, जेरे तामीर सड़कों का इफ्तिताह करेंगी, कारकुनों की गुलपाशी। असासाजात रेफरेंस में साकदार को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। क्यों ना 50 लाख रुपए के मचल के जब्त कर लिए जाएं, जज के रिमार्क्स। वजीर खजाना के जामिन को एहतसाब अदालत का शो कॉज नोटिस, समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक ट्रस्ट असासे की तारीफ में आता है। ट्रस्ट और ऑफशोर कंपनी ऐसे असासे नहीं जो जाहिर ना किए जाएं। इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों को किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इमरान तरीन नाअहली केस में हनीफ अब्बासी का तहरीरी जवाब। हमें क्लीन चिट मिलने का सही, पीएसपी के 350 कारकुन लापता और 1800 जेल में हैं। बलोचिस्तान की तरह कराची में भी आम माफी का ऐलान किया जाए, मुस्तफा कमाल का बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार से खिताब। सिटी कोर्ट कराची में सलीम शहजाद के खिलाफ मुकदमा में गवाहान गैर हाजिर, एसएसपी राव अनवार और डीएसपी खालिद की गिरफ्तारी का हुक्म। भारत से वक्त की अहम जरूरत है, पानी, तवानाई, बहरान और दहशतगर्दी बड़े चैलेंजेस हैं जिन पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कराची में सेमिनार से खिताब। डेरा इस्माइल खान में लड़की की बेहुर्मती के वाकये पर पिशावर हाईकोर्ट का मुतासरा खानदान को हर किस्म का तहफ्फुज फराहम करने का हुक्म। वीडियो को फैलने से रोका जाए, अदालत की हिदायत। जिम्मेदार पुलिस अफसरान को कल तलब कर लिया। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए, एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद,
3 जख्मी हो गए। तुर्बत के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ आज भी कार्रवाइयां, 7 इंसानी स्मगलर्स को धर लिया गया। जाली मोहरें, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बरामद।